आपने देखा कि हमने 15 दिन के अंदर 45 भेजे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, वो भी विचार से यही है कि हम अभी 40 रोड शो इस हरियाणा के अंदर करेंगे। भगवंत मान जी, हरियाणा में चुनावी बुगुल शुरू हो चुका है, उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी अपना जोर शोर दिखाती हुई नजर आ रही है। आज हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां पर आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी का रोड शो है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या सोचते हो इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मैं नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। तो इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप जो देख रहे हो कि जो आज तक किसी भी पार्टी दल द्वारा नहीं किया गया, वो आम आदमी पार्टी में इस हरियाणा की धरती पर करके दिखाया है। आपने देखा कि हमने 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करी। जो लोग हमें चैलेंज करते थे कि आपके पास संगठन कहाँ है, लोग कहाँ हैं, हमने वो करके दिखाया। जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां हमें चैलेंज करते थे कि संगठन कहाँ है आपका, हमने इस हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा संगठन बनाया। 2 लाख लोगों का संगठन है हमारा हरियाणा के अंदर। दूसरा, फिर इन्होंने बोला कि आपके पास जनाधार क्या है, हमने रैलियाँ 15 दिन के अंदर करके दिखा दी। और ये अभी हमारा टास्क जो है 10 दिन के अंदर 40 रोड शो इस हरियाणा के अंदर करेंगे। भगवंत मान जी, अनुराग ढांडा जी, सुशील गुप्ता जी और भी जो हमारे नेता हैं, सारे के सारे इस रोड शो के अंदर एक दिन में 4-4, 5-5 रोड शो करने वाले हैं। तो बात की जाए हरियाणा में कानून व्यवस्था की, तो अभी जो फिलहाल कानून व्यवस्था किस तरह की हरियाणा? कानून व्यवस्था तो आप खुद देख रहे हैं कि क्या क्या है, कि लोगों के अंदर यहाँ कारोबारी है, यहाँ बल्लभगढ़ के कारोबारियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, बकायदा उनसे फिरौती मांगी जाती है। यहीं पे रहते हैं, एक कारोबारी उनका दिखा देता हूँ, उनको फिरौती मांगी गई थी, उनको बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो ये हाल है बल्लभगढ़ के नेता जो यहाँ पे ऑलरेडी केंद्र मंत्री होने के बाद भी राज्य मंत्री अपनी क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो आप खुद समझिए कि किस तरह से। बात की जाए यहाँ पे, जैसे पंजाब दिल्ली में खोला करने खुले हुए हैं, क्या हरियाणा में खुलने से इस तरह के? बिल्कुल खोलेंगे। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर यही है कि 5 गारंटी हम दे रहे हैं, जो हमने शिक्षा के लिए क्रांति, शिक्षा की क्रांति आज तक कोई नहीं ले पाया इस देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल लेके आए। स्कूल जो है हम अच्छे करेंगे आते ही 6 महीने के अंदर अंदर, हमने क्योंकि पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर देख रहे हो कि हमने कम से कम 45,000 नौकरियां दी हैं और 2 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं, जो ये हरियाणा की सरकार नहीं दे पाई। ऐसे ही हम जो नौकरियां भी देने का काम करेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है, महिलाओं को 1,000 रुपये देने के लिए वादा किया है हमने, अच्छे स्कूल बनाएंगे, शिक्षा के लिए बिजली जो 24 घंटे। इस बल्लभगढ़ के अंदर ही कल ही एक और चैनल के ऊपर डिबेट में खड़ा था, वहाँ पे पता क्या जनरेटर चल रहा था पीछे, पूरे दिन से बिजली नहीं आ रही, 12-12, 14-14 घंटे गाँव के अंदर बिजली नहीं देते। पंजाब के अंदर हमने बिजली जो है 24 घंटे बिजली दे रहे किसानों को, हमने जो कहते थे 12 बजे बिजली देंगे रात को किसानों को खेती करने के लिए, हम रात को 8 बजे बिजली देते हैं और वहाँ किसान अपना आराम से सो रहा होता है जब बिजली चला के, जब उसका ट्यूबवेल चल रहा होता है कि कहते कि चलने दो कोई बात नहीं, क्योंकि बिजली फ्री दे रहे हैं और फ्री के साथ में हम 24 घंटे दे रहे हैं। यहाँ पे भी हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप देख लीजिए बुरा हाल है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 24-24 घंटे आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं अभी आपके सामने और हरियाणा की जनता आप हमारा सहयोग कर रही है और बड़े आराम से हम सरकार बनाए जा रहे हैं। बात की जाए यहाँ के अभी फिलहाल के प्राइवेट स्कूल और जो अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है? प्राइवेट स्कूल जहाँ आप खड़े हैं वो खुद देख लीजिए, खंडर बिल्डिंग को कैसे कर रखा था, इनके अंदर बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा है। कल भी यही व्यथा थी, बल्लभगढ़ के अंदर ही खड़ा था, वहाँ पे कह रहे थे कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है, एक लेबर वाले जो लेबरगिरी करता है उसके बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल के अंदर। कम से कम गरीबों के लिए तो स्कूल बना देते मंत्री जी यहाँ पे गरीबों के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी यहीं से आती हैं और खुद यहाँ पे एक और मंत्री हैं जो यहीं इसी विधानसभा को प्रेजेंट करते हैं, तो वही कुछ नहीं कर पाए तो आगे कैसे कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी तो सबका विकास करती है, सबके साथ लेके चलती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एसके। सर, इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है? देखो जी, विचार तो यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो बात की जाए कानून व्यवस्था की, अभी फिलहाल हरियाणा में किस तरह की कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, है ही नहीं व्यवस्था कहाँ पर। तो बल्लभगढ़ के अंदर कम से कम आप खुद जाके किसी भी चैनल वाले से पूछो, किसी तुम्हारे व्यापार मंडलों में जाके पूछो, व्यापारियों से पूछो, दुकानदारों से पूछो, नारियों से पूछो, यहाँ के रहने वाले नागरिकों से पूछो कि क्या हाल कर रखा है, क्या व्यवस्था है, क्या हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली की तरह मोहल्ला सारा कुछ वैसा ही मिलेगा? ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं खुलने चाहिए सर, ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है, दो जगह पर राज्यों में हमने करके दिखा दिया, तीसरा राज्य हम लेने जा रहे हैं।